नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिला अंतर्गत जतरौली में चोरी का 24 घंटे में हुआ खुलासा, माल सहित चोर गिरफ्तार। पठारी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जतरौली चोरी का खुलासा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस चोरी में 1,00,000 रुपए के जेवर बरामद कर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। सभी चोरों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। थाना प्रभारी महेंद्र साक्य ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 29 मई को थाना अंतर्गत ग्राम जतरौली निवासी हरनाम सिंह कुशवाहा ने अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और नकदी आदि चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने तुरंत विवेचना शुरू कर दिया था। एक मुखबिर ने सूचना दी कि कुल्हार रेलवे स्टेशन के पास रह रहे सपेरा और पारदी में युवक जुआ खेल रहे हैं, जिसमें वे बड़ी मात्रा में रकम लगा रहे हैं। इसके आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने चोरी की वारदात को स्वीकार करते हुए माल की जब्ती कराई। होशंगाबाद आष्टा से आए चोरी को अंजाम देने थाना प्रभारी महेंद्र साक्य ने विज्ञप्ति में बताया कि आरोपी बागरी तहसील आष्टा जिला सीहोर निवासी, लखन सपेरा पुत्र मेहरबान सपेरा और सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद निवासी अभिमन्यु पारदी पुत्र बादल पारदी ने कुल्हार रेलवे स्टेशन के पास तंबू लगाकर निवास कर रहे थे, जिन्होंने जतरौली पहुंचकर चोरी की, जिसमें लगभग 1,04,200 रुपए की चोरी की, जिसमें सोने चांदी के आभूषण के साथ मोबाइल चोरी किया गया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण और टूटी हालत में चोरी का मोबाइल जब्त किया। 15,000 रुपए में से 2,200 रुपए भी जब्त किए गए। इस कामयाबी में थाना प्रभारी महेंद्र साक, एएसआई शैलेंद्र नायक, आरक्षक नीरज चौबे, रामस्वरूप पांडे, महेंद्र गुर्जर, चार्ली राम यादव, दिलीप धाकड़, महिला सैनिक कलाबाई, सैनिक रामस्वरूप यादव के साथ विशेष सहयोग त्योंदा थाना प्रभारी आनंद ठाकुर और नटेरा थाना प्रभारी कांसीराम कुशवाहा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। ग्राम जरतौली के फरियादी हरनाम कुशवाहा द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई थी कि वो अपने घर में 18/5 को ताला लगा के अपनी रिश्तेदारी में कहीं गया हुआ था। बाद आके उसने देखा तो उसमें ताला टूटा हुआ मिला और चादर की जो पेटी थी उसमें से कुछ जेवर सोने और चांदी के, नकदी 15,000 रुपये, 2,000 रुपये का एक मोबाइल कीमती का, ये उसके चोरी चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने पर की थी। थाना हाजा पर अपराध पंजीकृत कर उसकी विवेचना की गई थी। विवेचना में हमें एक जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कुल्हार रेलवे स्टेशन के पास पारदी और सपेरा जाति के लोग, कोई एक लड़का है जो काफ़ी पैसे लेके जुआ खेल रहा है। सूचना की तस्दीक पे हम कुल्हार रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ पर अभिमन्यु पारदी और लखन सपेरा को हमने अभिरक्षा में लिया। जिनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करना स्वीकार करा। इनके कब्जे से चोरी का माल, जिसमें 2 करदौनी, 3 जोड़ी पायल, 1-2 जोड़ी बताने, सोने का मंगलसूत्र, अंगूठी और कान के फूल, टूटा हुआ चोरी में गया मोबाइल और नकदी 2,200 रुपये में प्राप्त हुए। आरोपी गणों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और चोरी का माल जब्त कर लिया गया है।